मित्रों, साधना की पहली सीढ़ी होता है ध्यान। अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता है तो आप साधना में, हर साधना में फेल हैं, हर पूजा में फेल हैं। चाहे मामूली घर की गृहस्थ की मामूली पूजा ही क्यों ना हो, उसमें भी फेल हैं आप। ध्यान पहले शर्त है, ध्यान लगाना सीखिए, ध्यान के बिना कुछ नहीं है। आप चाहे लाल तंत्र मंत्र करते हैं, आपको ध्यान धारणा और समाधि, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान पहली शर्त है पूजा की। और ओम का निरंतर रोज पूजा के समय ओम का अभ्यास करें, 11 बार ओम बोले कम से कम। और ओम बोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और हर मंत्र का एक स्वर होता है, उस स्वर के हिसाब से बोला जाता है। जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे मंत्र है, तो उसको अगर स्वस्वर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? स्वस्वर ऐसे बोला जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे। ये स्वस्वर मतलब साध करके, स्वर साधना बहुत जरूरी है। साधना का मतलब स्वर साधना, अपने उस पर काबू करना, अपने स्वर पर, ठीक है ना। और ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए साधना से पहले या किसी भी पूजा से पहले। आपका ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे वही होगा। ओम का अगर ध्यान पक्का है आपका तो इसी। और ओम का ध्यान कैसे होता है? ओम का उच्चारण स्वस्वर होना चाहिए एक साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। भक्तों के स्वर ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओम भी दो प्रकार से बोला जाता है, एक स्वस्वर और एक आत्मिक। आत्मिक बोलना बहुत बड़े योगियों का काम होता है, उसमें शायद मैं भी सफल नहीं हो पाया। ओम पर मैंने रिसर्च किया है मित्रों, ओम में इतनी शक्ति होती है, उस आप सामने रखे किसी भी चीज़ को हिला सकते हो, समझिए ना मित्रों। तो मैं ओम का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ओम का मैं एक स्वर बताता हूँ किस तरह से आप करेंगे। आराम की कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाए, ध्यान अवस्था में। आपका ध्यान यहाँ लगेगा, आपका ध्यान ओम के जाप के समय यहाँ लगेगा, ब्रह्मांड मध्य बकुटी मध्य। ओ इस तरह से समझ गए मित्रों। एक नियम से स्वर नियम से खिंच के आएगा और टूटेगा नहीं, ना ही सांस फूलेगी, नियम से ही बैठ जाएगा नीचे। ये स्वर का नियम होता है। किसी भी मंत्र में स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत से बोलते हैं जब माला ले ली उन्होंने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को कंटक काट देते हैं। मतलब ओम नमः शिवाय को आधा ओम नश्य ही कर देते हैं, ओम नाश्याय। तो ऐसे नहीं बोला जाता है, ओम नमः शिवाय ऐसे बोला जाता है। ध्यान से उसको पकड़िए, पहले स्वर को पकड़िए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये स्वर है, उसमें उनश्य 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 ऐसे नहीं होता है। बहुतों को देखा मैंने, आधे स्वर खा जाते हैं, वो नहीं। ऐसे तो मित्रों मैं इतने बड़े बड़े मंत्र जानता हूँ, लेकिन उसमें अगर तेज़ी से जप रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका स्वर का ज्ञान ना हो। स्वर का ज्ञान पहले होना चाहिए, उसके बाद आप कितना भी तेज जप सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूँ, और कोई भी एक मंत्र ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सत्ता नमस्तस्य 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 नमो नमः। स्वर नहीं चूकना चाहिए, बीच में स्वर चूका तो बेकार है, मंत्र खत्म। चलिए, आपको मैं तंत्र मंत्र की थोड़ी सी जानकारी देता रहूँगा, आप आगे बढ़िए, मैं हूँ पीछे, चिंता मत कीजिए। जय माता रानी।